था मीटिंग का सारा? सहने लायक नहीं था। क्यों, क्या हुआ? सबको जर्नी सुनाई लव स्टोरी, अच्छा नहीं लगा। फिर बोले कुछ और सुनाओ। जब तक मैं बोलता फिर बोले कि जो भी सुनाओगे थोड़ा सा हंगामे वाले सुनाना जिसमें बवाल मचे। समझ तो रहा था क्या चाह रहा है, फिर समझाया। बोले कि यार आप लोग तो थिएटर से आए हो तो कुछ सुनाओ, क्लासिक टाइप का सुना दो। मैंने बोला कि सर एक कहानी है, जो लोग गांव से शहर आते हैं मजदूरी करने अच्छे भविष्य की तलाश में, और फाइनली शहर आके वो शहर का सबसे वर्स्ट लाइफ जीते। तो लगे ये सब नहीं चलेगा यार, मजदूर गांव शहर नहीं चलता, कुछ और सुनो। फिर बोले कि फेस्टिवल वेस्टिवल में डालना चाहता हूँ, जैसे दूसरे लोग भेजते हैं कहाँ सर टोरंटो, कुछ क्लासिक सा सुनो। ये शुरू किया, मेरे सर एक आइडिया है सुन लीजिए। बोला कि ये कहानी एक बेरोजगार आदमी की है, वो शादीशुदा है, 8-9 साल का उसका बच्चा है, बंदा भटक भटक के काम ढूंढ रहा है। तो एक जगह उसको काम का ऑप्शन दिखता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास साइकिल होना चाहिए। तो बंदा अपने बीवी को बोलता है तो बीवी गहने बर्तन सब गिरवी रख के साइकिल खरीद के देता है, बंदा नौकरी ज्वाइन करता है। कुछ दिन बाद वो साइकिल चोरी हो जाता है। प्रोड्यूसर बीच में रोक दिया, बोला बहन दो यार कौन देखेगा ऐसे, सारे को समझ में नहीं आएगा, कहाँ से समझ में आएगा, पोस्टर लगा के रखा है बाइसाइकिल थीम का, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि देखा भी होगा। पोस्टर क्यों लगा के रखता है यार, फैशन है ना बॉम्बे में। आप अगर रे घटक फिल्म माजिदी ये सब के पोस्टर लगा के रखोगे तो समझ में आएगा ना कि आप सिनेमा साला हद हो गया है, हम तो सिनेमा का फिल्म चाहे पप्पू चाहे पास हो गया बनाओ, लेकिन पोस्टर जो है थोड़ा किसी क्लासिक आदमी का रखो, गॉडफादर